समाचारों में सबसे पहले बात होगी सुपर 20 की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रदेश की 10 सीटों पर कल होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां आज की जाएंगी अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्बाध मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर की गई है विशेष व्यवस्था। महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने किए हैं उपाय। आज ओडिशा, आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। भाजपा पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से करेंगे मतदान की अपील। पीएम मोदी ने अयोध्या में किए भगवान श्री राम लला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मांगेंगे समर्थन। शाहजहांपुर के खुदागंज क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के समर्थन में आज जनसभा। जनसभा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं संपर्क। कई जनसभाओं को आज करेंगे संबोधित। मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करेंगे अपील। लोकसभा की लखनऊ और मोहनलालगंज सीट के लिए उम्मीदवारों की स्थिति हुई साफ। लखनऊ सीट के लिए 10 और मोहनलालगंज सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। लखनऊ भाजपा गठबंधन, बसपा और एक दलीय उम्मीदवार के बीच होगा मुकाबला। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर घिरी समाजवादी पार्टी। मैनपुरी में कई सपा कार्यकर्ताओं पर मामला किया गया दर्ज। बसपा के आकाश आनंद की चुनावी रैलियां बिना कारण बताए रद्द कर दी गई हैं। बीते दिनों उनके खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हुआ था दर्ज। फरुखाबाद, कन्नौज में चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा पर हमला बोला। वोट जिहाद की बात करने वालों को शर्मानी चाहिए, कहा उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैनपुरी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के दौरान उन्होंने कहा, अब प्रधानमंत्री के मन की बात को कोई सुनने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की सरकार तैयारियों को दे रही अंतिम रूप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 250 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ज्ञानवापी प्रकरण के मूलवाद में कोर्ट ने आदेश के लिए 7 मई की तिथि नियत की है। ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर से जुड़े मूलवाद से दो भाइयों की ओर से पक्षकार बनाने की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को देखते हुए भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए किया गया सील। पूरे इलाके में सुरक्षा गश्त को बढ़ाया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निशमन विभाग के 18 वाहन आग बुझाने के काम में लगाए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच शुरू हुई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चित्रकूट में पारा 45 और लखनऊ में 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 98 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है।